और अगर हम थोड़ा इसके अंदर जाएं दोस्तों, तो यहाँ से हम खोल के अंदर आ गए हैं फिलहाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पूरी हरियाली है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल जंगल ही में आए हुए हैं और यहाँ भी जो है ना आपको हम कोई मकबरा ही दिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हौस खास में जो है जंगलों जंगलों के बीच में जो है मकबरा बसा हुआ है, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राघिब अहमद और आज आपको हम लेकर के आए हैं हौस खास में बने बागे आलम गुंबद दिखाने के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये पूरा का पूरा जंगल ही जंगल यहाँ पे है, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए बागे आलम का गुंबद। अगल बगल जो है खाली कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे कुत्तों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जितने कुत्ते वगैरह हैं ना सब ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली इतना चलने के बाद जो है ना आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बागे आलम का गुंबद, है ना। और पूरा का पूरा ये जंगली जंगल यहाँ पे है ना। यहाँ पे आपको हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं ना थोड़ा सवेरे आइए, है ना, 5 बजे के बाद मत आइए क्योंकि शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, ठीक है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस, ये है बागे आलम का गुंबद और इधर से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ जो है ना पूरा का पूरा जंगल ही जंगल है। ये असल में यहाँ का डियर पार्क है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ऊंचाई है इस तरह से, ठीक है। ये स्लोप बना हुआ है और इसी स्लोप के ऊपर में जो है इस तरह का ये बड़ा सा गुंबद यहाँ पे बना हुआ है। और ये वाला जो साइड है गाइस, ये मेरे ख्याल से ये जो है ना ये फ्रंट वाला एंट्री है बागे आलम का गुंबद, है ना। एएसआई के अंडर में है ये वाला भी। तो ये पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये मकबरा लग रहा है दोस्तों, है ना। सामने में ये जो इसका एंट्री गेट है, लेकिन अंदर में अगर आपको हम दिखाएं तो अंदर में भी जो है ना बहुत सारी मज़ारें हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से हम खोल के अंदर आ गए हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस, जैसा आम मकबरा जो होता है ना जितना हमने आपको दिखाया है वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साइड में जो है ना यहाँ पे दरवाज़ा है और काफ़ी बड़ा बड़ा दरवाज़ा है ये सब, है ना। दरवाजे के बगल बगल में जो ऐसी असल मारी बनी हुई है। और ये जो आप साइड देख रहे हैं दोस्तों, ये असल में ये पश्चिम का साइड है, है ना। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि ये जो है ये मेहराब बना हुआ है और ऊपर में जो है गैस यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको हम ये दिखाएँ ऊपर में गुंबद, तो गुंबद की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये गुंबद लग रहा है, ठीक है। नक्काशी वगैरह पेंटिंग्स जो है ना अभी तक आप देख सकते हैं कि वैसे ही इंटैक्ट है। और इधर आपको हम दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इस साइड में जो है यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने की, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सीढ़ी वगैरह जो है ये सब लॉक है यहाँ पे। और इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है ना ऊपर चढ़ने की जो पूरी जो सीढ़ी है ना ये ऊपर बनी हुई है, ये सीढ़ी लॉक है, आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सही काम किया गया है कि सीढ़ी को लॉक किया गया, नहीं तो लोग जो है ना ऊपर जाएंगे और कुछ हादसा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं गाइस कि अभी जो है ना ये जो पूरा जो मकबरा है ना ये यहाँ पर जो है ये पूरा कबूतरों का अड्डा ये बन चुका है। और फ़िलहाल जो दरवाज़ा इसका है ये बंद रहता है, लेकिन अभी ये खुला हुआ था। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक खिड़की है और एक वेंटिलेशन, अगर आपको बताएं तो वेंटिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक वेंटिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सामने में भी कुछ लोगों को देख सकते हैं कि वो लोग भी यहाँ पे विजिट करने के लिए इस जगह को आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 3 मज़ार बनी हुई है ना। फिलहाल ये मज़ार किसकी है नहीं मालूम। तो दोस्तों अंदर जो है ना कुछ बच्चे वगैरह हैं, मतलब ताली बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मना करना पड़ता है, कैसे हरकतें नहीं करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों साइज़ आप देख सकते हैं ना इस मकबरे का कितना बड़ा साइज़ है। ये समझिए कि वैसे ही जिस तरह का लोधी गार्डन में जितने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं उसी तरह का ये भी मॉन्यूमेंट जो है यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है लोधी काल में 1501 ईस्वी में बनाया गया था। उस टाइम में कोई सेंट हुआ करते थे शिहाबुद्दीन ताज खान, उन्हीं के लिए ये मकबरा बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर से, है ना, बीच में गेट है और दोनों साइड में खिड़की है। बहुत सारी खिड़कियाँ जो आपको दिख रही हैं गाइस वो सारी बंद हैं, है ना। तो अंदर में सीढ़ी वगैरह भी आपने आपको दिखाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छज्जा बना हुआ है ना। और इस छज्जे के नीचे आप देखिए इस तरह का चबूतरा है और इस चबूतरे के ऊपर जो है ना ये पूरा मकबरा ये बना हुआ है गाइस। आप देख सकते हैं कि उस ज़माने की जो कला है अद्भुत कला हुआ करती थी। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर एक मस्जिद है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। और यहाँ पर फिलहाल देखिए बहुत सारी मज़ारें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो खाली कुत्तों का ही ये पूरा गढ़ बन चुका है, कुत्ता हमारी तरफ आ रहा है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आप एक मीनार भी देख सकते हैं, है ना, दोनों साइड में दो दो मीनार है, टोटल 4 मीनार है।
और यहाँ पर जो है ना इस मस्जिद की पूरी जानकारी दी हुई है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस मस्जिद को भी अगर आप देखिए ना तो बिल्कुल प्यार से बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल स्ट्रक्चर है, ऊपर में एक छोटा सा गुंबद है ना। और अगर आप इस साइड में देखिए दोस्तों तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी मीनारें आपको दिख रही हैं और कितना प्यारा ये लग रहा है। तो फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये खुली मस्जिद है ना। और यहाँ पर भी आप देखिए इस तरह का जो आला वगैरह यहाँ बना हुआ है, ये सब देखिए नक्काशी यहाँ तो की हुई है। और ये आप देख सकते हैं इधर से बाहर जाने का रास्ता है, आप जो है गाइस इसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल जो है आप इधर देख सकते हैं, ये जो है ना ये पश्चिम का हिस्सा है, यहाँ पर जो इमाम साहब जो है नमाज को लीड करते थे। और अंदर भी देख सकते हैं काला बना हुआ अलमारी बनी हुई है, और ये सब भी आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। नक्काशी आप देख सकते हैं चारों तरफ। और यहाँ पर जो है बहुत सारी मज़ारें हैं गाइस, लेकिन ये सब मज़ारें किसकी है उसकी जानकारी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। और अगर हम थोड़ा इसके अंदर जाएं दोस्तों तो आप देख सकते हैं काफ़ी पतला रास्ता है, और इस रास्ते के अंदर हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीवारें जो है ना उस ज़माने में कितनी मोटी मोटी होती थी दोस्तों। तो इधर से हम अंदर गए हैं और यहाँ से जो है हम बाहर निकल गए हैं, ठीक है। और इधर से भी अब आपको हम मस्जिद का पीछे वाला हिस्सा भी यहाँ से हम दिखाते हैं, ठीक है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं गाइस, तो इधर से जो है ये आप देख सकते हैं, ये है पीछे वाला हिस्सा इसका फिलहाल। तो पीछे से कुछ ऐसे दिखती है मस्जिद ये वाली, है ना। पूरा का पूरा यहाँ पे जंगल ही जंगल है, लेकिन जंगल है लेकिन यहाँ पर जो है ये सुनसान नहीं है। लोग जो है यहाँ पे काफ़ी आते जाते यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ से वो मीनार आपको क्लियरली यहाँ से दिख सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस मकबरे पर आना चाहते हैं ना तो आप डियर पार्क आ जाइए, और डियर पार्क की जो वीडियो है हमने बना रखी है आप उसे भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ तक आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3, और वहाँ से जो है ना गाइस आप सारे मॉन्यूमेंट को घूम सकते हैं, सब आसी पास में है। डियर पार्क, दादी पोथी का मकबरा, छोटी गुमटी, सकरी गुमटी, बारा खम्बा, ये सारा जो है ना आसी पास में है। आप जो है एक दिन में जो है ना सारे चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। आपका नाम क्या है भाई? आशीष। आशीष, आशीष कहाँ से आए आप? बेलसराय। बेलसराय, तो यहाँ पर मतलब इस मकबरे को देखने के लिए आए थे या क्या यहाँ पे करने के लिए आए थे? कोई देखने आए थे। कैसा लगा देख के? अच्छा है। अंदर गए? हाँ। कैसा लगा अंदर जाके? ऊपर गए? हाँ। ऊपर कहाँ से जाओगे? ऊपर पहले गए थे ना, मैं आता रहता हूँ। अच्छा ऊपर जा चुके हो? लॉक रहता है लेकिन? तो नहीं, पहले ओपन था। अच्छा अभी लॉक कर दिया है, ओके ओके। और यहाँ पे क्या क्या कुछ डियर पार्क के बारे में बता दो आप थोड़ी बहुत ऑडियंस को। यहाँ पे हिरन भी है, हिरन वगैरह और भी बहुत तरीके के जानवर है। ओके तो अच्छा है, चलो ठीक है, सारे आओ। ओके भाई, तो ये लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग पे पब्लिक के साथ आए हैं, 3 दोस्त हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बाग़े आलम का गुंबद भी घुमा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं था इसका, लेकिन चूंकि ये डियर पार्क के अंदर एक गुंबद बना हुआ है तो हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जगह पर नए इतिहास के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।